एक कहावत सुनी होगी कि जिन्हें लोन नहीं वेख्या वो जमया नहीं। गाड़ी निकलने लगी, दो मिनट रह गए, चलते हैं। लो जी हम आ चुके हैं लाहौर की एक तारीखी इमारत के पास। वो सामने जो नजर आ रहा है ना, वो बादशाही मस्जिद का दरवाजा है। लो जी हम पहुंच चुके हैं फूड स्ट्रीट। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, जुमा मुबारक। आज की अच्छी बात कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आज जुमे का दिन है और हम कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें। तो आए मैं और आप मिलकर एक दफ़ा पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला अलैका वसहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ सब फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह सब पे अपना करम रखे। तो शुरू करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। मैं कल रात का आपको बता रहा था कि टूर पे जाना है, टूर पे जाना है, टूर पे जाना है। तो अभी मैं बता ही देता हूँ किधर जाना है। हम जा रहे हैं लाहौर। वो एक कहावत सुनी होगी कि जिन्हें लोन नहीं वेख्या वो जमया नहीं। तो अज एक बार असं फिर जमन जा रहे हैं। असं कहा यार जमा ये जिंदगी का की पता कितों ख़त्म हो जाए। मेरे साथ इस सफ़र में शामिल होगा एहसन, ठीक है? मैं और एहसन करेंगे खूब इंजॉय, साथ साथ आपको भी करवाएंगे। अभी ये नहीं मैं बताऊँगा कि हमने लाहौर जाके किधर किधर जाना है, क्योंकि ये प्लान उधर जाके बनेगा। तो अभी सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि हम लाहौर जा रहे हैं, ठीक है? तो अभी मैं उठाऊँ, उठ के नहाया धोया, कपड़े पहने, ऐनक लगाई, हैं जी घड़ी लगाई, निकला है घर से बाहर। सबसे पहले आके लिए मैंने टिकटें ताकि लेट ना हो जाऊँ और गाड़ी निकल ना जाए। तो टिकट मिली 10 बजे की, अभी बज गए 9:15। और इधर मैं खड़ा एहसन का वेट कर रहा हूँ। इधर से मैं सीधा जाऊँगा पहले सलोन पे, सलोन पे जाके बाल बनवाने हैं, ठीक है? उसके बाद हम आगाज़ करेंगे अपने सफ़र का इंशाल्लाह ताला। तो जी एहसन मेरे पास पहुँच चुका है, लगता है सुता ही उठ के आ गया है। भाई मैंने टिकटा की टेंशन सी कि यार के टिकटा करवाइया यार, जो मैं क्या सी मैं करवा लांगा, कपड़े पहन के आने सी। 10 मिनट दियो, मैं हुणे आया तैयार। चलो तुसी मैनूं सलोन ते लाओ ते जाके तैयार होके जल्दी सलोन ते आ जाओ। लो जी आ चुका हूं मैं अली भाई के सलोन पे। अली भाई जल्दी जल्दी यार जरा बाल बना दे, गाड़ी का टाइम है 10 बजे का। सलोन से सीधा आ चुका हूँ मैं बस स्टॉप पे, यहाँ वेट कर रहा हूँ एहसन का। एहसन आता ही होगा, 15 मिनट रह गए गाड़ी जाने में। तो यहाँ मुझे मिल गए हैं भट्ट साहब। सलाम सर। भट्ट साहब भी अचानक ही मुझे मिले हैं इधर के, ये भी लाहौर ही जा रहे हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं बातें कर सकेंगे गाड़ी में बैठ के। इनकी सीट फ्रंट पे है, हमारी बैक पे है, लेकिन साथ साथ रहेंगे। हाँ जी सारे घर दी मैंने पिछो। लो जी एहसन मेरे पास पहुँच चुका है। एहसन भाई आज तो बड़े चीसे लग रहे हो। गजब टुबीबाज आदमी। समझ तो गए होगी। गाड़ी निकलने लगी, 2 मिनट रह गए, चलते हैं, ठीक है? तो वैसे यार मैं एक गल तो दसनी भूल ही गया, असि जा कर को रहे हैं। दरअसल मेरा एक दोस्त है, उसको मैं जानू बोलता हूँ, वसीम, ठीक है? बहुत अच्छा बंदा है और बड़ा प्यार करता है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। हमें जी बस स्टॉप पे हमारा छोटा सा फैन मिला है, ये भी यूट्यूबर है, इसकी भी आईडी को लाइक करें और इसके अकाउंट को विजिट करें। लो जी मैं और एहसन बैठ चुके हैं गाड़ी में। तो अभी सफ़र हमारा होने लगा शुरू, तो इंशाल्लाह साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। ये हमारे साथ एक भाई बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। भाई जी क्या हाल है, ठीक ठाक हैं आप? भाई यार थोड़ा चैनल ही सब्सक्राइब कर दो। की सब्सक्राइब करा मैं घंटे की दूरी पे लाहौर रह गया है। तो 1 घंटे बाद इंशाल्लाह हम लाहौर पहुंच जाएंगे। तो गाड़ी की स्पीड चेक करें मोटरवे पे और ये नज़ारे चेक करें साथ साथ। माशाल्लाह मौसम स्टॉर्म्स वी चेस आर लीडिंग अस एंड लव इज ऑल वी एवर ट्रस्ट या नो आई डोंट वांट टू। लो जी हम तकरीबन लाहौर के पास पास आ गए हैं, देखें। होल्ड मी क्लोज टिल आई गेट अप टाइम इज बेली ऑन आवर साइड आई डोंट वांट टू वेस्ट व्हाट्स। लो जी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और हम एंटर हो चुके हैं लाहौर में। यह है लाहौर का टूल प्लाजा। लो जी हम पहुंच चुके हैं लाहौर।
वैसे असि पहले मेजबान हाँ जो मेहमान के घर जाके जगावे कि यार उठ जा अ गए हाँ बिलकुल इसे तरह सू ली कोई नहीं आया नहीं दरअसल वसीम भाई ने मैनू सुबह ही दस दिया अठ बजे सुबह ना सुबह उन्होंने कहा कि यार मैं पहुंच गया बस एक साल करना मेरी जिंदगी तो इन्ना गाइस जरूर पता है कि लोहड़ी सौंदे किस टाइम ने उड़ते किस टाइम उन्होंने मैंने कहा मेरे को इन्ना आसान जरूर करना कि समान भाई सुबह आके मैं जगा लेना बस एक दफा तो हूँ बस चले वसीम भाई वाल बैठ चुके हैं रिक्शे में और जा रहे हैं वसीम की तरफ यहाँ सिर्फ 5 मिनट का सफर है वसीम के घर का जाके उसे जगाते हैं और आपको मिलवाते हैं वसीम से ठीक है जी असल भाई चले चलो जी लो जी पहुंच चुका हूँ मैं वसीम भाई के ऑफिस वसीम भाई को कॉल किया अभी आके ठीक है तो उठ गए हैं उनकी मेहरबानी है बेचारे सोए सुबह ही थे तो कहते हैं जी समान भाई सिर्फ 15-20 मिनट का टाइम दे मैं अभी फ्रेश हो गया आपके पास पहुंच रहा हूँ आप मेरे ऑफिस बैठे हैं ये इनका प्रॉपर्टी का काम है तो ये इन्होंने ऑफिस बनाया हुआ है अभी हम बैठे ही थे कि एक लड़का आया और ये जूस और जनाब ये नेस्ले की बोतल दे गया हमें पानी की कि भाई पिए वसीम भाई ने फ़ोन किया कि मेरे मेहमानों को दे के आओ तो अभी यार हम पहुँचे हैं तो खिदमतें हमारी शुरू भी हो चुकी हैं क्या बात है सर क्या बात है सर बड़े नाइस बंदे हैं अभी मिलवाते हैं लो जी आ गया वो शेकार जिसका था इंतजार वसीम भाई ठीक है जी मेरी जिगर मेरे जान सब कुछ जो मर्जी कह लो ठीक है वसीम भाई कैसे हैं अल्लाह का शुक्र आप सुनाए भैया ठीक ठाक नींद पूरी होगी ढाडी अल्हम्दुलिल्लाह तुम क्या दसा सी यकीन करो वो मेजबान जिन्हें मेहमान उठाया उठ पा भाई तेरे को आए हैं 11 बजे सोया और 12 बजे आकर उठा मैंने बताया हम सबको आते वक्त कि यार वसीम भाई जी हमारी खातर उठ के आएंगे आज तो रात को उठते हैं उठते इसलिए लेट हैं क्योंकि जिस शहर में बसते हैं वो जिंदा दिलाने लाहौर ठीक है तो उधर लोगों की रूटीन यही है कि वो सुबह सोते हैं और रात को उठते हैं सुबह मैसेज क्या किया था सुबह 11 बजे इनका मैसेज आया मुझे कि मैं अब सोने लगा हूँ आके मुझे जगा लेना तो हमने पहुँच के इनको जगाया वसीम भाई के ऑफिस उठ के आ गए हैं हम वसीम भाई के घर ठीक है इधर खाएंगे हम खाना खाना खा के इधर से निकलेंगे फिर सैर करने और साथ साथ आपको दिखाएंगे कि हम किधर किधर जा रहे हैं अभी नहीं कुछ बताएंगे कि कहाँ कहाँ जाना है क्योंकि अभी कोई प्लान नहीं है किधर पहले जाते हैं किधर बाद में इसलिए साथ साथ आपको दिखाते जाएंगे लो जी खाना बन गया आ चुका है माशाल्लाह कीमे वाले पराठे बनवाए हैं वसीम भाई ने घर से अब ये पता नहीं माँ जी के हाथ के हैं या भाभी के हाथ के हैं नहीं माँ जी के हाथ के ही हैं लेकिन समझ जाओ जी समझ आइए कुर्बानी का आखिरी शापर सी गजब बेइज्जती है खाना खा के हम निकल पड़े हैं आवारा गर्दी करने हैं और सबसे पहले हम जा रहे हैं चलो जाके बताएंगे ऐसे खाने का पता चलेगा लो जी हम आ चुके हैं लाहौर की एक तारीखी इमारत के पास का नाम है मनारे पाकिस्तान ठीक है लाहौर आके सबसे पहले दिल करता है कि हम मनारे पाकिस्तान को देखने जाएं ये एक तारीखी जगह है यहाँ पे 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की करारदाद पेश हुई थी तो यहाँ अब हम थोड़ी देर एंजॉय करेंगे ये देखें जी इसके साथ बहुत ज़बरदस्त पार्क है फैमिलीज आई हुई हैं एंजॉय कर रही हैं तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्लेस पर चलेंगे वो साथ साथ बताएँगे अभी बताएँगे तो फिर प्लान का मज़ा नहीं रहेगा देखिए जी मनारे पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक झील बनाई हुई है ठीक है वो कश्तियाँ भी नज़र आ रही हैं आपको और व्यू चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है और बहुत फैमिली नज़र आई हुई हैं एंजॉय करने ठीक है जी हम सब भी इधर ही आए हुए हैं ये देखें वसीम भाई हैं ये उनके दोस्त हैं साथ ठीक है काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम कसम से बड़ा मज़ा आ रहा है वेदर चेक करें ठीक है उसके अलावा बारिश हो रही है हल्की हल्की ऐसा भाई इनको ये व्यू चेक कराएं बैक साइड का सारा कमाल का व्यू है और ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पर बादशाही मस्जिद है ठीक है ये भी लाहौर की एक तारीखी मस्जिद है ये देखें जी हम बादशाही मस्जिद के अंदर जा रहे हैं ठीक है और रश चेक करें पब्लिक चेक करें रश लगा हुआ है वैसे भी जुमा है इसलिए रश ज़्यादा है वो सामने जो नज़र आ रहा है ना वो बादशाही मस्जिद का दरवाज़ा है ठीक है और ये बादशाही मस्जिद के आगे एक पार्क सा बना हुआ है लो जी हम पहुंच चुके हैं फूड स्ट्रीट में ठीक है यहाँ पे सारी खाने की दुकानें हैं ये चेक करें जी चेक करें फूड स्ट्रीट का व्यू चेक करें ये चेक करें फूड स्ट्रीट का व्यू साथ साथ होटल्स हैं इधर और बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट इधर लाहौर के ये मैं आपको पूरा व्यू चेक करवाता हूँ एक दफ़ा इसका कोई मसला नहीं होगा परेशान ऊपर से दिखाया ये देखिए बहुत कमाल का एरिया यार कसम से देखें और मेरे साथ साथ एंजॉय करें मोस्टली लोग तो आ चुके होंगे लाहौर जम चुके हैं जम्मू
ये चेक करें जी, इतनी दुकानें हैं इधर फूड की, साथ साथ होटल्स हैं और एक से बढ़कर एक दुकान है इधर, ठीक है। व्यू चेक करें फूड स्ट्रीट का, इस होटल का व्यू चेक करें, माशाल्लाह कमाल का होटल लग रहा है और इसकी डेकोरेशन बड़ी ज़बरदस्त है। चेक करें, इसका नाम है शाही मोची खाना, ये भी फूड स्ट्रीट में है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त लगा है, जितने होटल देखे हैं मैंने तो सबसे ज़बरदस्त ये लगा है। ये थोड़ा सा मैं आपको इस होटल का अंदर का व्यू दिखा रहा हूँ, मैं कहता हूँ डेकोरेशन चेक करें, मैं कमाल हो गया यार, यकीन करें दिल खुश हो गया इस होटल को देख के, बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट किया हुआ इन्होंने यार। काफ़ी घूम फिर लिया है, ठीक है, थोड़ा थक चुके हैं, प्यास लगी हुई थी, बोतल वगैरह पी रहे हैं, जब हम जा रहे हैं मुस्लिम भाई के घर, उधर जाकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, फिर निकलेंगे अगली जगह पर और उधर पहुंच के बताएंगे कि हम किस जगह पे आए हैं, ठीक है। चलते हैं वसीम भाई के घर।